हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज बात करेंगे हम एक नए एप्लीकेशन फॉर्म की। ये फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है एंड यहां पर नेट, जेआरएफ, गेट एंड अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सीटों की डिटेल्स, एडमिशन प्रोसेस सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। फी जो है एप्लीकेशन की वो 500 और 1000 रुपये है। लास्ट डेट 23 मई 2022 है। एप्लीकेशन आपका कल ही से स्टार्ट है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। एंड चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके अपने दिल से आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंबाइंड सेट्स जो है 200-250 पेजों के आपको हम अवेलेबल कराते हैं आपके सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ, तो उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके ले सकते हैं। वहाँ पर अगर किसी प्रकार से दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपको हमारा नंबर व्हाट्सएप का मिल जाएगा, आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द ही हमारी वेबसाइट अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। और वहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे करके क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक तैयारी के लिए बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन 2022-23 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको डिटेल्स दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओनली नेट क्वालिफाइड एंड अपीयर कैंडिडेट कैन अप्लाई। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो नेट क्वालिफाई किए हैं या जो जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, दोनों एक ही बात है, या गेट वाले हैं, इसमें जो नेट का है वो सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, ए सब का मान्य है, ठीक है। डीबीटी वाले भी जो जेआरएफ हैं वो भी मान्य हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो नेट का एग्ज़ाम दिए हैं या रिजल्ट नहीं आया, अपीयर्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ गिवन नेट एग्जामिनेशन 3 times सिंस June 2018, ही कैन फिल हिज बेस्ट स्कोर्स एंड अप्लाई इन द पीएचडी एडमिशंस। तो देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्टिंग है वो 9/5/2022 से एंड 23/5/2022 इसकी लास्ट डेट है। एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट करना है तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है 55% एंड जो इंजीनियरिंग वाले हैं, एलाइड वाले, उनको 60% में रखा गया है। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC वालों को। अब यहाँ पर और नीचे आएंगे तो आपको सीटों की डिटेल्स मिलेगी, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी, हिंदी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, इनमें जूलॉजी में 6 सीटें। तो इस तरह से सीटें हैं और सीटें जो है वो डिपेंड करती हैं फैकल्टी के जो नोटिस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फैकल्टी पर ही पूरा निर्भर होता है कि सीटें घट भी सकती हैं और बाद में बढ़ भी सकती हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव, अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहा है। स्कोर जो होगा वो जेआरएफ, नेट या गेट का, उसका आपको 70 नंबर मिलेगा एंड 30 नंबर आपका इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल के प्रेजेंटेशन पे होगा। यहाँ पर नेट या गेट, गेट इंजीनियरिंग वाले, एंड आप ये देख सकते हैं कि जो नेट वाले हैं उनका और गेट वालों का और जेआरएफ वालों का सभी का किस तरह से वेटेज बन रहा है, किस तरह से फाइनल स्कोर बन रहा है, उसको उसका मेथड क्या है। फिर उसके बाद सीटों की रिजर्वेशन के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर और नीचे आएंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट डेट, और फिर उसके बाद नीचे आएंगे फीस। तो अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस की 1000 है, SC ST PWD की 500 रुपये फीस है, ठीक है। और नीचे आइए तो यहाँ पर आपको अब बताएगा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको पहला मास्टर डिग्री का फाइनल मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एंड सेकेंड आपका या नेट या जेआरएफ या गेट सर्टिफिकेट होगा, जो कि सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, यूजीसी का होगा, उसको आप अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो उसको अपलोड करेंगे, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए हम साइट पर चलते हैं। ये है ऑफिशियल साइट, आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। और जब रिडायरेक्ट होंगे तो आप न्यू, इसको पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा नीचे पूरा, फिर उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स भेजनी होगी, अपना नाम, ईमेल
एंड पासवर्ड फिर क्रिएट करेंगे, मोबाइल नंबर आपको डालना है बार दो बार, फिर उसके बाद रजिस्टर होने के बाद फिर आप लॉगिन करके फिर सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स है। अगर आपको डाउनलोड, एडमिशन नोटिस, प्रॉस्पेक्टस ये सब चीज़ें चाहिए तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों आप सब बहुत जल्दी अपना साथ ऐसे देते रहे तो बहुत जल्द हम 20,000 सब्सक्राइबर को भी टच करेंगे एंड टेलीग्राम पे भी 1,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं। तो दिल से आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम भी जो है बहुत जल्दी इस अचीवमेंट के पास जाएं। तो ऐसे ही आप सभी का प्यार बना रहेगा, ऐसे नोटिफिकेशन हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।